हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे से हैं। मेरी आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, मेरा गला बैठा हुआ है क्योंकि ठंड ज़्यादा है और ठंड में जाना आना पड़ता है यहाँ वहाँ, इसलिए मेरा गला बैठ चुका है पूरी तरह से। तो आज है फ्रेंड्स 14 नवंबर और आज है चिल्ड्रंस डे। तो आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे, सभी बच्चों को जो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं उन सबको चिल्ड्रंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मेरी भी एक चिल्ड्रन है, मतलब मेरी भी एक बेटी है पीहू, तो उसके लिए भी मैंने कुछ सरप्राइज प्लान किया है। और अभी मैं उसे ट्यूशन छोड़कर आ चुकी हूँ, अभी जस्ट मैं उसे छोड़कर ही आई हूँ और उसके मैंने थोड़ा बहुत अभी प्लान किया है उसके लिए सरप्राइज क्या करना है। तो मैं मार्केट गई थी, मार्केट से मैं केक लेकर आ गई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए केक आ चुका है और ये बलून आ चुका है। तो अभी मुझे थोड़ी बहुत डेकोरेशन करनी है और क्योंकि 6 बजे पीहू आ जाएगी वहाँ ट्यूशन से, तो अभी टाइम हो चुके हैं 5:20 हो गए हैं। तो टाइम 5:20 हो गए हैं, तो अब मेरे पास बहुत थोड़ा सा टाइम है, तो मैं जल्दी जल्दी से डेकोरेशन कर लेती हूँ। ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी दीवार में काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है, तो थोड़े बहुत बलून लगाऊंगी जिससे कि पीहू खुश हो जाए देख करके। बच्चों को क्या है कि थोड़े बहुत सरप्राइजेस देते रहने चाहिए, उन्हें स्पेशल फील कराना चाहिए। तो मैं भी अपनी बेटी को थोड़ी सी ऐसी कोशिश कर रही हूँ कि उसे स्पेशल फील हो और वो चिल्ड्रंस डे के दिन खुश हो जाए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं डेकोरेशन कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स केक को रख देती हूँ फ्रिज में ताकि ये मेल्ट ना हो जाए, क्योंकि एकदम फ्रेश बना हुआ केक था वो। भैया जैसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला अभी बिल्कुल अभी बेकरी से आया हुआ है, तो अभी बिल्कुल फ्रेश है। तो इसे मैं रख देती हूँ फ्रिज में ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए उसके आने तक। और आइए मैं आपको अपना केक दिखाती हूँ जो मैं पीहू के लिए लेकर आई हूँ। तो ये रहा फ्रेंड्स केक, और क्योंकि हमने ऑर्डर नहीं दिया था, सडनली मुझे जाना है पड़ा केक लेने के लिए, मैंने ऑर्डर तो नहीं दिया था, पर अच्छा डिज़ाइन मिल गया मुझे और उनके पास लिमिटेड डिज़ाइन थे, 3-4 डिज़ाइन उन्होंने रखे थे, तो मुझे उसमें से ये पसंद आया। और ये पाइनएप्पल फ्लेवर है और मैं लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए इसको रख देते हैं फ्रिज में, ये सेट हो जाएगा। और यहाँ पे मेरी पीहू का नाम लिखा है, उसका नाम है आराध्या, स्कूल में उसे हम आराध्या के नाम से पुकारते हैं, तो उसका आराध्या नाम लिखा हुआ है। चलिए इसको रख देते हैं फ्रिज में सेट हो जाने के लिए। ये केक गया फ्रिज में, इसे हम होने देते हैं सेट और हम कर लेते हैं अपने आगे की प्रिपरेशन। पीहू को कोई भी आइडिया नहीं है कि घर में क्या होने वाला है, और वही रिएक्शन मुझे उसका देखना है कि वो कितनी खुश हो जाती है सब कुछ देखकर। इवन पीहू के पापा को भी कोई आइडिया नहीं है कि मैं यहाँ क्या खुराफात करने वाली हूँ। कोशिश कर रही हूँ बलून का आर्च बनाने का, अगर बन जाए तो सबसे। मैंने बोला ना शायद बने, पर मैं ट्राई करूंगी। जा रही थी फ्रेंड्स वो तो नहीं बना, पर कुछ तो बन ही गया। यहाँ पे पीहू के पापा भी आ चुके हैं और ये देखिए थोड़ी बहुत मैंने कुछ करने की कोशिश की थी बट हो नहीं पाया, टाइम भी कम है। ये देखिए 6 बज गए हैं और 6 बजने में 5 मिनट्स रह गए हैं, पीहू किसी भी समय आती होगी। तो ये बलून का डेकोरेशन मैंने इस तरह से किया है और चलिए आगे का कर लेते हैं।
फ्रेंड्स पीहू आ चुकी है, तो देखते हैं उसका रिएक्शन। सरप्राइज। इसलिए आज क्या है? चिल्ड्रंस डे। तो ये आपके लिए सरप्राइज है। थैंक यू। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मजा आया? हाँ। और पापा केक कटिंग भी। हाँ। देखो क्या क्या सरप्राइज है। अभी कैसा लगा? देखो डेकोरेशन, देखो डेकोरेशन तो मैं देख के डरी गई। देखिए फ्रेंड्स, पीहू आ चुकी है और वो केक कटिंग के लिए बिल्कुल रेडी है और उसके पापा का वेट कर रहे हैं हम लोग। दरअसल वो ऑफिस गए हुए हैं तो उनको टाइम लग रहा थोड़ा सा आने में। तो यहाँ पे तैयारी सारी हो चुकी है, बस जैसे ही वो आएंगे केक कटिंग होने शुरू हो जाएगी। क्यों पीहू? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? सी क्या आपको ऊपर कर लो थोड़ा सा, बस तो इन्हीं का इंतजार था, ये भी आ चुके हैं। तो चलिए केक कटिंग स्टार्ट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू। Happy Children's Day, dear Aradhya. Happy Children's Day to you. देखो नानी भी देख रही है आपको। नानी खिलाएंगी। तो केक कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स, और यहाँ पे मम्मी भी देखिए वीडियो कॉल पे है। क्यों? और बच्चों जोड़ लो फिर। मम्मी तो मत ले। तो अभी यहाँ पे केक कटिंग हो गई है, देखिए ये एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। अब क्योंकि मेरा फास्ट है तो मैं तो खाऊंगी नहीं, तो यही दोनों एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे केक कटिंग वगैरह हो चुकी है, केक कट चुका है और मेरा फास्ट है इसलिए मैंने केक नहीं खाया है, पीहू ने खाया और पीहू के पापा ने खाया। तो अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।